फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद शहर में घर से शैम्पू लेने गए चकबंदी अधिवक्ता सोमवार की शाम को सुभाष सराहा के पास अचेत अवस्था में पड़ा मिला। पुलिस ने अधिवक्ता को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उसकी हालत गंभीर होने पर मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया। रामतार कठहरिया उम्र लगभग 60 वर्ष पुत्र मायाराम निवासी गंगानगर दबरई में चकबंदी मामले के अधिवक्ता हैं। वह रविवार को घर से शैम्पू लेने गए थे, उसके बाद से उनका कोई सुराग नहीं लगा। परिजन उन्हें खोज रहे थे कि सोमवार की शाम को सुभाष सराहा के पास स्थित बालाजी होटल के पास अचेत अवस्था में पड़े मिले। सूचना पर पहुंची पुलिस ने अधिवक्ता को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। परिजनों का कहना है कि किसी ने उन्हें फोन पर बुलाया, उसके बाद उनके साथ मारपीट की है, जिससे उनकी हालत गंभीर हुई है। देर रात अधिवक्ता की हालत बिगड़ने पर आगरा रेफर किया गया है। फिरोजाबाद से संवाददाता राजेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट, SKH न्यूज। राजू आपके त्रासू आपके नाना गायब थे, क्या मामला है? वो कल सुबह 9 बजे निकले घर से शैम्पू लेने के लिए, और वहाँ पर थोड़ी देर बाद मैं गया था वहाँ पर दुकान पर उनको लेने, तो वहाँ पर वो थे नहीं। दुकानदार अंकल ने कहा कि वो तो शैम्पू लेके निकल गए हैं। तो फिर बहुत देर बाद संपर्क किया, तो फिर वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे में दिखाया गया कि वहाँ से मुड़ गए हैं। फिर आगे चेक किया, आगे वाले सीसीटीवी कैमरे में दिखाई नहीं दिए। और फिर अगले दिन शाम को पता चला कि वो वहाँ पर रोड पर। कितनी तारीख को ये गए थे यहाँ पे? यहाँ से 20 तारीख को गए। अच्छा, कब मिले हैं? अगले दिन मिले हैं, 21 तारीख को शाम को। क्या नाम था नाना का? राम अवतार सिंह कटेरिया।